तो बीटा चैनल पर हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्वेश्चन टैक्स के बारे में बता रहे हैं। पिछली वीडियोज में हमने क्वेश्चन टैक्स क्या होते हैं इसके विषय में, क्वेश्चन टैक्स का प्रयोग किस तरह होता है, कितने प्रकार के क्वेश्चन टैक्स होते हैं, तो निगेटिव क्वेश्चन टैक्स, नॉन निगेटिव या पॉजिटिव भी आप इन्हें कह सकते हैं, क्वेश्चन टैक्स के बारे में बताया था। तो ये सब जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, QT01 QT02 QT का हमने उनको एब्रिविएशन दिया है क्वेश्चन टैक्स से QT। वे वीडियोज हमारी अवेलेबल हैं, वे आप देख सकते हैं। आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे और इसका फॉर्मेट बताएंगे कि क्वेश्चन टैक्स, निगेटिव क्वेश्चन टैक्स का फॉर्मेट क्या होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, और नॉन निगेटिव अर्थात पॉजिटिव क्वेश्चन टैक्स का क्या फॉर्मेट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन टैक्स, निगेटिव क्वेश्चन टैक्स, निगेटिव क्वेश्चन टैक्स की एग्जाम्पल देखिए आप। आई एम राइट, आरंट आई, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस का नेचर अफर्मेटिव है, आई एम राइट। तो इसका अफर्मेटिव का क्वेश्चन टैग जो होता है हमेशा निगेटिव होता है। आई एम राइट इसमें एक एक्सेप्शन है, इसका क्वेश्चन टैग एमेंट आई नहीं होगा। आई एम राइट जब ये इस तरह होता है ना, अफर्मेटिव प्रयोग होता है जब आई एम का, जैसे आई एम राइट, आई एम रोंग, जब इस तरह होता है और उसका निगेटिव क्वेश्चन टैग्स होता है तो उसमें आर का प्रयोग करते हैं, न कि एम का। तो ये होगा आई एम राइट, आरंट आई, ये हमने पहले ही आपको इससे पिछली वीडियो में सभी कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म शॉर्ट फॉर्म्स बता दी थी, जो ऑक्सिलरी वर्ब और इसकी मिला के नोट की बनती है, अंट बोलते हैं इनको, अंट बोला जाता है ज्यादातर, एम के बाद अपोस्ट्रोफी आता है और टी, ये सब पिछली वीडियो में हमने डाल दी थी। तो आरंट आई, आई एम राइट के उत्तर में मैं ठीक हूं, आरंट आई, क्या मैं नहीं हूं, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा आरंट आई। अब क्वेश्चन टैग में ही कैन स्विम वेल, सेकंड एग्जांपल देखिए, ही कैन स्विम वेल, कांट ही, क्योंकि इसमें कैन है वर्ब, जो वर्ब होती है कुछ एक्सेप्शन छोड़ के, वो एक्सेप्शन आगे बताएंगे हम, अन्यथा जो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें प्रयोग होती है उसी से क्वेश्चन टैग बनता है। जैसे ही कैन स्विम वेल, वह अच्छी प्रकार तैर सकता है, एक्सक्यूज मी, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा कैन, क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब कैन है, तो कैन ही इसमें आएगी क्वेश्चन टैग में। तो ही कैन स्विम वेल, वह अच्छे तरीके से तैर सकता है, कांट ही, क्या वह नहीं तैर सकता है। तो ये स्पीकिंग इंग्लिश में भी ये एक तरीका होता है अपनी बात दूसरे से एग्री कराना अपनी बात के लिए, ये मॉडर्न इंग्लिश में अच्छा माना जाता है। इस तरह के क्वेश्चन टैग के साथ अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग भी करते हैं, और उसमें तो आता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये अब नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए निगेटिव क्वेश्चन टैग्स का, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आती है सर्वप्रथम, फिर उसके बाद अंट, नोट के लिए एन, एन के बाद अपोस्ट्रोफी और टी, अंट बोलते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब इसमें कैन है,
तो अंट ये दोनों एन कॉमन ले लिया हमने, तो ये होगी कांट। फिर सब्जेक्ट ही, क्योंकि ही का प्रयोग हुआ है तो सब्जेक्ट ही रहेगा, ही आ गया। फिर क्वेश्चन मार्क कांट ही। तो इस तरीके से नेगेटिव स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है क्वेश्चन टैग। अब बी नॉन नेगेटिव, इसे पॉजिटिव भी कह सकते हैं क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव ही ज्यादातर हमारे जुबान पर रहता है। नॉन नेगेटिव तो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, बहुत कम बोलते हैं, तो आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स या नॉन नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा, एक ही बात है, नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव। जैसे देखिए, आई एम नॉट रॉन्ग, तो सेंटेंस नेगेटिव है, आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूं। एम आई, क्या मैं हूं, तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। लेकिन यहां एक अंतर है, अभी आपने आई का प्रयोग उसमें नेगेटिव में भी देखा, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस था और क्वेश्चन टैग नेगेटिव था, उसमें आपने देखा आई एम राइट, तो उसके बाद आया आरंट आई। अगर आई एम के बाद अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, तो उसमें आरंट का प्रयोग होगा। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है और उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है, तब इसमें एम का ही प्रयोग होगा, आर का नहीं होगा, आर आई नहीं होगा, ये आई एम नॉट रॉन्ग, एम आई, इसमें एम का ही प्रयोग होगा। ये अंतर है, आई के प्रयोग में भिन्नता होती है, इसमें क्वेश्चन टैग में ये एक विशेष पॉइंट होता है। अगर आई अफर्मेटिव सेंस में प्रयोग है, जैसे आई एम राइट, तो उसमें आरंट आई का प्रयोग होता है, आरंट आई होता है उसका क्वेश्चन टैग। जबकि इसमें नेगेटिव सेंस में आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें नॉर्मली एम ही होता है, एम आई, क्या मैं हूं। ऐसे सेकंड एग्जाम्पल, मोहन डज नॉट वर्क हार्ड, डज ही, मोहन नाउन है, मोहन कठिन परिश्रम नहीं करता है। तो देख रहे हैं कि जो उसमें वर्ब होती है सेंटेंस में, वही वर्ब उसमें जाती है क्वेश्चन टैग में। मोहन डज नॉट वर्क हार्ड, मोहन कठिन परिश्रम नहीं करता है, नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, डज ही, क्या वे करता है। यहाँ डज का प्रयोग हुआ डजेंट में, वहां डज का प्रयोग हुआ शुरू में, डज ही, क्या वे करता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन टैग में, अगर इसमें कोई नाउन भी आ रहा है, किसी का नाम है, किसी प्रकार का नाउन अगर है, किसका नाम वगैरह, उसको रिपीट नहीं करते, क्वेश्चन टैग में कभी नाम नहीं आता, क्वेश्चन टैग में उसकी जगह प्रोनाउन आएगा। जैसे देखिए, मोहन डजंट वर्क हार्ड, इसमें मोहन का प्रयोग हुआ, लेकिन वहां मोहन की जगह ही का प्रयोग हुआ, ये डज ही, क्या वे करता है। तो इस तरीके से इसकी जगह अगर इस तरह ये नाउन आते हैं, नाम वगैरह, तो उनकी जगह प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ही शी दे वगैरह का। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, पॉजिटिव का नॉन नेगेटिव इसको बोलेंगे, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब इसमें डज है, तो डज आएगी, डज ही, और सब्जेक्ट आ गया ही, क्योंकि नाउन का प्रयोग हुआ है, तो इसकी जगह ही आ गया, डज ही, और क्वेश्चन मार्क। इस तरह का एक क्वेश्चन टैग का होता है। अब इसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे।